तो ये हो गई कि दुश्मन की जुबानें जो कभी कुछ भी नहीं बोलती थी आज हर कुछ बोल रही है। कल एक मलाउन का सोशल मीडिया पे मैंने यहां से निकलते ही क्लिप देखा कि उसने कहा फिर क्योंकि हर साल कोई ना कोई मलाउन शजीर के दिफा के लिए निकलता। कल यहां से मजलिस पढ़ के निकला तो मैंने देखा था और उसके बाद अब 24 घंटे गुजर गए। मैं तो इस बात में था कि शायद कोई जिम्मेदारी जवाब दे दे। बिहारी जुबान हुई तो फिर MI6 के एजेंट पता नहीं क्या क्या फतवे कहां कहां से आ जाते हैं। उसने दो दिन से सोशल मीडिया पर अपना वीडियो रिकॉर्ड करके भेजा हुआ है कि हमने उसने यजीद के हक में बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर कर दी है, फला जंग में शरीक हुआ था, लिहाजा इसमें लानत नहीं होनी चाहिए, इसमें तबारा नहीं होना चाहिए। तो ये रिकॉर्ड करवाने लगा हूं मैं अपने हिस्से का तो इख्तियार पढ़ू ना, मैं अपने हिस्से की नौकरी तो दू ना ताकि अपने वक्त के खामोश हो गया था। मैं जानता हूं हो सकता है कि मेरी जुबान से निकला हुआ लफ्ज वही इब्राहिम की आग बुझाने वाले वो परिंदे के पानी का कमरे का था, लेकिन मैं हिस्सा डालना चाहता हूं। हर साल मुहर्रम में कोई ना कोई शहीद ज्यादा उठता है, शहीद के हक में तकरीरें, शहीद के दफा में तकरीरें। हमें पता है तुम्हें मुहर्रम में यजीद क्यों याद आता है, हमें पता है तुम्हें मुहर्रम में यजीद का दिफा क्यों याद आता है। मैं पूरी दुनिया में चैलेंज करके कह रहा हूं अगर किसी ने यजीद का दिफा करना है तो फिर थानों में कैमरे लगा के बंद कमरों में बैठ के यजीद का दिफा न कर खुल के सामने आ। अगर यजीद का जिक्र करना है तो फिर हम हुसैन की मजलिस करवाते हैं, तो यजीद का जलसा करवा, हुसैन के नाम पर बंदे बुलाता हूं, तो यजीद के नाम पर बंदे बुला, मैं हुसैन की मां का किरदार पढ़ता हूं। है हमें हुसैन से वफा करनी है, कोई चीज हमें हुसैन से ज्यादा। सिर्फ और सिर्फ अगर अजीज है तो मोहम्मद वाले मोहम्मद।